सतीश जी, जयपुर की जो राजधानी मंडी है उसमें मूंगफली की आवक प्रतिदिन कितनी हो रही है? अभी हमारी राजधानी कृषि उपज मंडी कुकरखेड़ा में 10 से लेकर 15,000 तक बोरी आ रही है। वो प्रति बोरी 40 किलो होती है और किसान खुली दही लेके आता है। और यहाँ पर जो मूंगफली ऑक्शन हो रही है उसके औसतन प्राइस क्या है इन दिनों? औसतन प्राइस तो 6,000 के लगभग है अभी आज की प्राइस, और आज से पहले ये 7,000-7,500 रुपए तक बिक रही थी। यानी अब जो मूंगफली के भाव हैं वो जो सरकार ने 2024-25 मार्केटिंग ईयर के लिए जो तय किए हैं उस MSP से नीचे बिक रही है, क्या ऐसे में किसानों की आवक फिर भी जो है अच्छी हो रही है या उन्होंने अपनी मूंगफली की आवक घटा दी मंडी में? नहीं, अभी आवक अच्छी हो रही है, अभी शादियों का सीजन है इसलिए किसान को पैसा चाहिए और वो मार्केट में माल बेचने के लिए ला रहा है। और जो इस बार जो मूंगफली आ रही है सीजन में उसकी क्वालिटी पिछले ईयर से कैसी है? पिछले ईयर से अच्छा माल है इस बार जिस मूंगफली में दाना अच्छा है, ठोस है और दिखने में भी अच्छी है, वाइट कलर में ज़्यादातर। सतीश जी, जो जयपुर में मूंगफली आती है वो प्राय फिर यहाँ से कहाँ आप भेजते हैं, किन मंडियों में जाता है या कहाँ बिकने जाती है वापस? ये यूपी और जम्मू कश्मीर, दिल्ली, जहाँ पे अभी ठंड शुरू हो गई उस जगह पे ज़्यादातर जा रही है। तो जयपुर में जो मूंगफली आती है वो खाने के योग्य ज़्यादा आती है या ऑयल की मतलब यानी क्रशिंग के लिए ज़्यादा काम में ली जाती है? जयपुर में मीठी मूंगफली आती है, खाने में बहुत अच्छी होती है इसलिए ज़्यादातर खाने में ही जाती है, और मिल क्वालिटी जो होती है वो 10-15% ही आती है। यहाँ पर जो राजधानी मंडी, इसमें मूंगफली की आवक कब तक होती रहेगी? अभी ये जनवरी तक चलेगी, जनवरी 2025 तक मूंगफली की आमद चलेगी, और अभी जो पीक टाइम है वो एक महीना है, एक डेढ़ महीना। जो यहाँ पर जो मूंगफली आ रही है उसके प्राइस में आगे आने वाले दिनों में आपको क्या मूवमेंट दिखाई देता है कि किस तरह से प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे? अभी तो प्राइस कम है, बाकी ये है कि 1,000 रुपये की तेजी आगे आने वाले दिनों में वापस आ सकती है। यानी 1,000 रुपये क्विंटल की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी।